जय हिंद दोस्तों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री की आज ये तीसरी वीडियो रहेगी हमारी। हमने पिछले वीडियो में परमाणु अणु रदरफोर्ड का मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल आदि देखने का प्रयास किया है। जिन भी साथियों को अंत्योदय एकेडमी के ये नोट्स चाहिए, आप ये फुल नोट्स और इसके अलावा थ्री मार्कर हिस्ट्री पॉलिटी इथिक्स ये प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करके इन नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। हम सीधे चलेंगे आज के लेक्चर की ओर। आज के लेक्चर में हम प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत देखेंगे पहले, फिर उसके उपरांत नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की। देखिए, प्लैंक ने 1901 में ये सिद्धांत दिया था और क्या कहा था, उन्होंने बताया था तप्तकाली वस्तुओं से उत्सर्जित विकिरण के संबंध में ये सिद्धांत दिया था। ये कोई वस्तु है जो कि काली है और क्या हो रही है, गर्म है, उससे हीट निकल रही है, उसके बारे में इन्होंने समझाने के लिए कि जो उत्सर्जित विकिरण होती हैं कितनी निकलती हैं ये इन्होंने बताया। सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम इन्होंने कहा किसी वस्तु से उत्सर्जित जो ऊर्जा है, ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। क्या कहा कि एक वस्तु है जो कि हीट है, गर्म है, टेम्परेचर पर है, इससे ऊर्जा निकल रही है, तो वो सतत ना होकर क्या होती है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है, इससे रेगुलर ऊर्जा नहीं निकलती। एक बात क्या कहा, सतत ना होकर छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलती है, अर्थात असतत रूप से निकलती है। और इन बंडलों को ही प्लैंक ने क्या कहा है, क्वांटा कहा है। इसी आधार पर इनके सिद्धांत का नाम पड़ा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। दूसरा इन्होंने बताया कि जो एक क्वांटा किसी वस्तु से निकल रहा था, ये आपने देखा ये क्वांटा निकल रहा है, एक बंडल के रूप में ऊर्जा निकल रही है, इसकी जो ऊर्जा होती है प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। मतलब जो भी उस वस्तु से विकिरण निकल रही होगी उसके समानुपाती होगी उस क्वांटा की ऊर्जा, मतलब कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी ऊर्जा की, इसे आप म्यू से दर्शाते हैं, सॉरी उसकी आवृत्ति के आवृत्ति को म्यू से दर्शाते हैं। जितनी ज़्यादा विकिरण की आवृत्ति होगी उतनी ही ज़्यादा उस क्वांटा की, उस बंडल की ऊर्जा रहेगी। ये किसने कहा था, प्लैंक ने अपने सिद्धांत में बताया। इसी आधार पर आप देखेंगे ई अनुक्रमानुपाती आपका क्या हो गया, म्यू हो जाएगा। आगे आप एच म्यू लिखाता है, इक्वल का साइन आता है। एच यहाँ पर एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लैंक नियतांक कहते हैं। आगे आप इसे देखना चाहेंगे तो म्यू की जो वैल्यू होती है सी अपॉन लेमडा, जहाँ पर लेमडा जो है आपका तरंग दैर्ध्य होता है। ये यहाँ पर सिद्धांत निकलता है किसका, प्लैंक का, ई इजिकल टू एच सी अपॉन लेमडा। हमने यहाँ बताया एच एक स्थिरांक है जिसे प्लैंक स्थिरांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है 6.26 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड होती है। ये आपने देखा। एक बार और इसे रिपीट रूप में समझेंगे। 1901 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, क्या कहा कि कोई भी जो तप्त वस्तु है, काली वस्तु है, उससे विकिरण का उत्सर्जन होता है। अब किस रूप में होता है, उन्होंने इसको सिद्धांत में समझाया। सबसे पहला पॉइंट बताया कि किसी भी वस्तु से उत्सर्जित जो विकिरण या ऊर्जा है वो सतत ना होकर कैसी होती है, असतत होती है और बंडल के रूप में होती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो क्वांटा है उसकी ऊर्जा जो है प्रत्येक विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होती है, मतलब जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही ज़्यादा उससे एनर्जी निकलती है। फिर इसका एक आपको समीकरण देखने को मिलेगा और इस तरह हम ये कवर करेंगे। दूसरा आपका मॉडल जो आज हमें देखना है वह है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 1911 में आपके एक भाई साहब थे रदरफोर्ड ने मॉडल प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड का हमने मॉडल पढ़ा, फिर उसके कुछ दोष देखे थे, उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। कब किया, तो 1913 में, क्योंकि 1911 में रदरफोर्ड ने दिया था तो जाहिर है कि ये उसके बाद करेंगे, तो 1913 में इन्होंने अपना मॉडल दिया। देखिएगा, रदरफोर्ड के मॉडल की त्रुटियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने प्लैंक का जो सिद्धांत था अभी हम ऊपर देख कर आए, प्लैंक के सिद्धांत का सहारा लेकर, क्या देखा, प्लैंक के सिद्धांत का सहारा लेकर 1913 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया।
ये इनकी भूमिका हो गई। फिर क्या क्या बात इन्होंने कही, क्या क्या पॉइंट अपने सिद्धांत में देख दिए, उनको हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका है, इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा क्षय के निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये हमने लास्ट में भी देखा था। क्या देखा कि ये आपका नाभिक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें रहेंगे, और ये आपका परमाणु है, बाह्यतम कक्षा इसकी है। पहला पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा क्षय के निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ये इसकी निश्चित कक्षा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं आपके निरंतर रूप से घूमते रहेंगे और इनकी कोई एनर्जी क्षय, एनर्जी लॉस नहीं होगा, और जिन कक्षाओं में ये घूमते हैं उनको हम एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक पॉइंट देखा हमने इनके सिद्धांत का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए धन आवेशित प्रोटॉन अभिकेंद्रीय बल उपलब्ध कराते हैं कूलॉम के नियम अनुसार। कूलॉम का नियम जो होता है वो कहता है कि जो धनावेशित और ऋणावेशित चार्ज होते हैं वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। इसी आधार पर हमने अभिकेंद्रीय बल भी देखेंगे, फिजिक्स में देखा है क्या होता है, ये आपका प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, नाभिक में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर आपके जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं वो क्या लिए हुए हैं, निगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पर आकर्षण बल लगाएगा केंद्र की ओर, इसी बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। दूसरा पॉइंट एक बार और समझिएगा कि जो नाभिक में प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋणावेशित चार्ज है पर केंद्र की ओर एक आकर्षण बल लगाता है, किस नियम अनुसार, कूलॉम के नियम अनुसार। हो गए दो पॉइंट। नेक्स्ट हम तीसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट आपका है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्णांक गुणांक हो। क्या कह रहे हैं कि जिन भी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उन कक्षाओं का कोणीय संवेग, उसकी कक्षा की वैल्यू होती है, उस कोणीय संवेग का मान जो है h/2 का पूर्णांक गुणांक हो। पूर्णांक गुणांक मतलब है कि मान लीजिए उसकी संख्या हमने n लिख ली, तो n बराबर शुड बी 1, 2, 3, मतलब ये वैल्यू पॉइंट या दशमलव में नहीं होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया? पूर्णांक गुणांक मतलब है उसका गुणा 1, 2, 3, 4 के क्रम में होना चाहिए, ना कि 1/2, 1/5 या इस तरह से। तीसरा पॉइंट एक बार और समझिए, इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग का मान जो है कितना हो, h/2 का पूर्णांक गुणांक हो। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है, किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तभी किया जाता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। अभी हमने पहला पॉइंट जब समझाया था आपको तब बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कक्षा में बिना ऊर्जा क्षय के घूमता रहता है, इसका बिना ऊर्जा एनर्जी लॉस के ये अपने परिक्रमा कर रहा है, ये तो उसमें देखा। लेकिन यदि इसको अपने ऊर्जा स्तर को बदलना है, मतलब एक ऊर्जा स्तर से इसको दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना है, तब ये जो होगा क्या करेगा, एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। यही बात इसमें लिखी है कि किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, मतलब ऊर्जा लेना अथवा देना, तभी देगा जब वह क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम देखेंगे इसके दोष। देखिए सभी मॉडल के कुछ ना कुछ दोष रहे हैं, उसके आधार पर ही अगला मॉडल आया है। तो वो जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल था उसके भी कुछ दोष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इसका दोष है कि यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। जब हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा था तो तब देखा था कि उसने किसी भी परमाणु का स्पेक्ट्रम स्पष्ट नहीं किया था। नील्स बोर ने उसमें सुधार किया, बोर ने बताया, तो उन्होंने केवल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को तो बता पाए लेकिन अन्य जो परमाणु थे उनका स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए। दूसरा है, यह मॉडल जीमन प्रभाव, दो इफेक्ट होते हैं, एक जीमन प्रभाव और दूसरा स्टार्क प्रभाव, इन दोनों को स्पष्ट करने में असफल रहा है। इन्हें हम आगामी लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। अभी आप इतना याद कर लीजिए कि बोर का जो मॉडल था ना तो जीमन प्रभाव को स्पष्ट कर पाया और ना ही स्टार्क प्रभाव को। नेक्स्ट आपका है, यह परमाणुओं के रासायनिक आवंदों द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका। क्या बात की इसने कि जो
अणु होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल का अणु बना लेता है, इसकी जो रासायनिक संयोग यहाँ पर हो रहा है इसके बारे में इस मॉडल में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस मॉडल के ये तीन दोष हमने देखे। आगामी वीडियो में हम बोरबरी योजना, अफवाऊ का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम, इन तीनों नियमों को क्रमगत रूप से कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको वीडियो अगर सहयोगी हो रहा हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।